show that the least possible distance between an object and its real image in a convex lens is 4f. शो करना है लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस सबसे कम बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की कम से कम दूरी 4f है कन्वेक्स लेंस के लिए. तो हम जानते हैं अगर हम ये कन्वेक्स लेंस बनाएं ये रहा प्रिंसिपल एक्सेस, ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस ट्वाइस ऑफ एफ, फोकस 2f. हम जानते हैं कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा अगर ऑब्जेक्ट फोकस के पीछे पीछे होगी. एफ और 2f के बीच में भी हो सकती है और 2f के बियॉन्ड भी हो सकती है. कन्वेक्स लेंस जब रियल इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट एफ के लेफ्ट साइड में होगी. तो आइए हम कहीं पर भी रख लेते हैं. हम ऑब्जेक्ट को एफ और 2f के बीच में रख लेते हैं. लीजिए ए बी और रे डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं. ये रही ऑप्टिकल लाइन, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इधर वाले फोकस से चली गई, दूसरी रे आप जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गई और ये लीजिए रियल इमेज बन रही है. ए डैश बी डैश रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, इलार्ज्ड है. हमें प्रूव ये करना है कि ऑब्जेक्ट ए बी और ए डैश बी डैश के बीच की मिनिमम दूरी 4f है. तो हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को x ले लेते हैं. और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के डिस्टेंस को d लेते हैं तो इमेज डिस्टेंस हमारे पास हो जाता है d माइनस x. फिर से रिपीट करते हैं, हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को x ले लिया, ऑब्जेक्ट और इमेज इमेज रियल है के बीच के डिस्टेंस को d लिया तो d से अगर x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d माइनस x इमेज डिस्टेंस आ गया. अब हमें करना क्या है, हमें इस d की ही मिनिमम वैल्यू निकालनी है और इसकी मिनिमम वैल्यू को 4f प्रूव करना है. तो हम लेंस फार्मूला लगाते हैं, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं और
और आगे बढ़ते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, हम लेंस फार्मूला लगाएंगे और एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं जिसमें एक्स भी होगा, कैपिटल डी भी होगा, और हम प्रॉब्लम को आगे समझेंगे। आगे देखें, वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज वन बाय एफ, v की जगह डालें प्लस d माइनस एक्स। प्लस क्यों? क्योंकि ये जो इमेज डिस्टेंस d माइनस एक्स है ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर हो रहा है। ये इंसिडेंट रे का एरो है, ये डिस्टेंस जो मेजर हो रहा है ये d माइनस एक्स प्लस है। माइनस वन बाय यू, यू डलेगा माइनस एक्स, ये लीजिए ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, ये एरो है, ये एरो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, ये डला माइनस एक्स, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की प्लस एफ। हाँ, प्लस एफ होती है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, इसकी फोकल लेंथ हमारे पास है प्लस एफ। वन बाय डी माइनस एक्स प्लस वन बाय एक्स इज वन बाय एफ। एलसीएम लेंगे, डी माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स प्लस डी माइनस एक्स इज वन बाय एफ। d डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स इंटू एक्स इज वन बाय एफ। डी एफ इज d माइनस एक्स इंटू एक्स, डी एफ इज डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। आ गई x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रीअरेंज कर लेते हैं इसे एक साइड में, एक्स स्क्वेयर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इज जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक हम पहुंच गए हैं। अब हम आगे समझेंगे, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस, रियल इमेज का डिस्टेंस d है, तो इस d और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। हम डायग्राम फिर से यहां बना रहे हैं। हमने ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच की दूरी को डी माना है, यह इमेज रियल है, यह रियल इमेज है, यह रियल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x है, अगर रियल इमेज इस ऑब्जेक्ट से कैपिटल d दूर है तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखी हुई है। अगर आप x को चेंज करेंगे
कैपिटल डी फिक्स नहीं है, कैपिटल डी की मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है कि रियल इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट और रियल इमेज की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो हम इस एक्स के रूट्स लिख लेते हैं। अगर एक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए डी दूर रियल इमेज बन रही है तो ये इक्वेशन सच है। अगर एक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए डी दूर रियल इमेज बन रही है तो एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ सच है, इज इक्वल टू जीरो सच है। तो इस एक्स के रूट निकालते हैं। एक्स इज फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, हमारे पास माइनस डी प्लस माइनस माइनस डी होल स्क्वायर माइनस फोर ए, ए वन है, सी डी एफ है, अंडर रूट 2a, ए वन है। बी माइनस डी है, ये रहा बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए जो है वो वन है, ये रहा वन वन एक्स स्क्वेयर, सी प्लस डी एफ है, ये रहा सी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, अगर रियल इमेज डी दूर है तो एक्स आ गया डी प्लस माइनस डी स्क्वेयर माइनस फोर डी एफ अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये एक्स और एक्स के रूट्स आ गए। एक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हमें डी की मिनिमम वैल्यू चाहिए। हम जानते हैं एक्स तभी निकलेगा अगर ये रियल वैल्यू होगी, ये अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। हम डी दूर रियल इमेज बना पाएंगे अगर अंडर रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। हम क्या कह रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट से डी दूर रियल इमेज बना पाएंगे अगर डी स्क्वेयर माइनस फोर डी एफ पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। मतलब डी कॉमन ले ले, डी माइनस फोर एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। डी माइनस फोर एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एफ होगा। तो डी की मिनिमम वैल्यू आ गई, डी मिनिमम फोर एफ।